आप प्रगतिशील कृषक हैं मिस्टर आदित्य तिवारी जी, और ये मैं आपको देखिए ये पेड़ी दिखाना चाह रहा हूँ, इसको आप पौधा मत समझिए, ये पेड़ी है। और ये सीओ 15023 जो न्यू रिलीज गन्ना प्रजाति है, जो नवीन संस्कृत गन्ना प्रजाति है, उसकी पेड़ी है। तो अब मैं ये जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं इनसे, आदित्य तिवारी जी से ये बात करूंगा कि ये पेड़ी जो है इन्होंने काटा कब, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हो गई, कब इसकी कटाई की आपने? हमने 10 सितंबर की इसकी कटाई करी है। अच्छा, 10 सितंबर को जी, तो आज है 12 एक महीने हो। हाँ, एक महीना हो। आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा बड़ी? नहीं नहीं, ये ग्रोथ बहुत ले रही है। अच्छा, अन्य गन्नों से हमने 18 काटा, उसका नहीं इतना चला है। अच्छा, इसकी पेड़ी ग्रोथ बहुत कर रही है। तो क्या माने ये जो 15023 है, इसकी रेटून भी अच्छी होगी? रेटून हमें पौधे से ज्यादा लग रही है, टिल्डिंग ज्यादा है, क्योंकि अमूमन ऐसे देखा जाता है कि जो मीठी गन्ना प्रजातियां होती हैं उनमें थोड़ा इसकी पेड़ी की दिक्कत होती है। हालांकि 38 में नहीं थी वो, 38 में भी पेड़ी अच्छी होती नहीं थी। नहीं, इसमें क्या लगता है 238 से इसकी रेटून, अगर आप अब तक का जो अनुभव है उससे अच्छी होगी या वैसे? नहीं, 238 से रेटून इसकी अच्छी होगी। अच्छा, और लंबाई भी अच्छी है गन्ने की। अच्छा, रेटून अच्छी हो तो किसानों को क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, हम तो चाहेंगे सुझाव, हमारे पास तीसरी पेड़ी भी है, वो भी बहुत अच्छी चल रही है। तो ये जैसे अगर रेटून अच्छी लें तो क्या कटाई के समय कुछ सावधान? नहीं, कटाई के समय फूट ऊपर से नहीं कटने चाहिए। अगर गन्ना कटाई हो जाए उसके थावड़े से फूट बिल्कुल बराबर कर देने चाहिए। अगर कटाई के समय ही नीचे से काट दिया जाए? नहीं, नीचे से काट दिया, अगर क्लंप बनती है तो दिक्कत है। इसको हमें बीच से समतल बिल्कुल बराबर करना, गोल काटनी है। अगर फावड़े से हम काटते हैं तो ट्रिलिंग अच्छी होगी। अच्छा, क्योंकि ये मीठी प्रजाति है, इसमें कीड़े बहुत लग रहे हैं। अगर तो थोड़ा सा काटते हैं तो कीड़े बहुत आ रहे हैं, तो हमने सारा ऊपर से बिल्कुल छटाई करा दी है। अच्छा, यानी ठूंठ निकला होगा तो उसमें कीड़े मकोड़े ज्यादा लगते हैं, और नीचे से बराबर से होगा तो फिर वो ठूंठ को खा लेगा तो पेड़ी अच्छी नहीं, पेड़ी अच्छी नहीं होगी। आपका कहना मतलब यही है। तो अभी तक इसमें कुछ उर्वरक वगैरह डाला? नहीं, उर्वरक नहीं, खाली इसकी गुड़ाई उड़ाई की है, अभी उर्वरक कोई नहीं। तो ये करीब कितना एरिया होगा जिसका गन्ना अभी तक अपने काट लिया? बुवाई के लिए काटा होगा? हाँ, बुवाई के लिए 1 बीघे का काटा। 1 बीघा है तो उसमें कितना निकला इसका? इसमें हम 85 क्विंटल बीघा प्राप्त किया। 85 क्विंटल देखिए कह रहे हैं, करीब 1 बीघा काटा है, देख रहे होंगे आप दूर तक पेड़ी इसकी। वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सीओ 15023 जो नवीन संस्कृत गन्ना प्रजाति है उसकी प्लेटून कैसी भी होगी, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। चलिए तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी सी रेटून अभी से दिखा दी। एक बात और बताना चाहूंगा, ये 1 एकड़ हमारी 1 बीघे की जो पेड़ी है इसमें मात्र हमने 1.5 क्विंटल गन्ने से ही पैदा किया। अच्छा, यानी मात्र 1.5 क्विंटल गन्ना लिया था। ये जो 85 क्विंटल गन्ना पैदा किया, 1.5 क्विंटल गन्ना से, 1.5 क्विंटल से देखिए, इन्होंने इस 1 बीघे में जब ये इनको 1.5 क्विंटल गन्ना मिला था और उसी से इन्होंने 85 क्विंटल गन्ना पैदा किया, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो प्रगतिशील कृषक हैं कि कितना उसका मल्टीप्लीकेशन कर ले रहे हैं गन्ने का, और इसी तरीके से इस प्रजाति को जल्दी पूरा प्रसारित भी किया जा सकता है आराम से क्षेत्रों में। आने वाले समय में किसान भाई अगर खाली सिंगल आंख से बोएंगे तो 2-3 साल में पूरे एरिया में टोटल गन्ना हो सकता है। अगर चाहे सिंगल आंख से बोया, सिंगल आंख से बोया है बस। अच्छा, ट्रन से 4 फीट की दूरी, ट्रन से ट्रन 4 फीट की दूरी जो है 4 फीट है, 4 फीट की। और ये पौधे से जो पौधे की दूरी है ये हमने 1 फीट रखी, 1 फीट से ऊपर, 1 फीट 1.25 फीट। अच्छा, एक गांठ से अगले, हाँ, पौधे की 1.25 फीट। अच्छा अच्छा, तो जब कोई नई प्रजाति लाए तो बिल्कुल बढ़ा के ताकि उसमें ट्रिलिंग जितनी करा सके। नहीं, और प्रजातियां इसमें ट्रिलिंग कम है, इस प्रजाति में एक क्लंप में कम से कम 16 गन्ने निकलते हैं। अच्छा, एक बट से हमारे 16 गन्ने 18 गन्ने प्राप्त हुए हैं। तो अगर इसको दूर नहीं रखेंगे तो गन्ना भर जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, इसमें ट्रिलिंग भी बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी सी जानकारी देने के लिए।